जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बैग वेंचर में। आज मैं आया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो चक्रवाती तूफान है अभी जो आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे, कैसे घूम रहे हैं, यहीं पे क्यों आ रहे हैं, कैसे पैदा होते हैं, सारी जो जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको मैं बता दूँ, आपको बहुत शुक्रिया करना चाहता कि जैसा कि प्यार आपने पिछले वीडियो में दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है, और मैं स्वागत करता हूं जो मेरे चैनल में नए सब्सक्राइबर हैं उनका भी, तहे दिल से थैंक यू भी बोलता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। चलिए आज हम देखते हैं कि साइक्लोन आते क्यों हैं और कहां कहां आए हैं, क्यों आए हैं। क्या आपके मन में भी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जब ये साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं, तो वो जो घूमते हैं तो वो उल्टे ही क्यों घूमते हैं? हमारे भारत देश में अभी ताऊते नाम का तूफान आया था, और अभी जो यश नाम का तूफान आने वाला है वो उल्टी डायरेक्शन में क्यों घूमते हैं? मतलब मेरे मन में तो ये आता है, उटपटांग क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, अभी हाल ही में क्या चुनाव चल रहे थे पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में हमारी डायरेक्शन क्या होती है? हमारी होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस हिसाब से ये जो हमारा भारत है, ये वाली डायरेक्शन को हम पूर्वी डायरेक्शन बोलते हैं, और यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन मेरे मन में ये घड़ी की जो टिक टिक है उसकी ऐसे टिक 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 करता रहता है कि पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल क्यों है जबकि ये तो पूर्वी हिस्से में है। चलिए तो हो गया कहानी, आपको पता हो तो कमेंट कमेंट करके बताना, आपको अगर पता हो तो कमेंट करके बताना कि भैया पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, बंगाल क्यों नहीं कहते हैं, फिर पूर्वी बंगाल कहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि साइक्लोन आता क्यों है, कहाँ आता, कैसे क्यों, जो भी पूरी कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा अर्थ, अर्थ को हमने दो हिस्सों में बांट कर रखा है, एक काल्पनिक लाइन है जैसे हम 0 डिग्री कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसे, जो ये भू भू मतलब भूमि, मध्य मतलब बीच में, तो भू के जो मध्य में जो रेखा गई है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इंग्लिश में से इक्वेटर कहते हैं, ये 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। तो ये लाइन जो है पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में मतलब ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है जो हमारा भारत है वो पृथ्वी के किस कोने में है, मतलब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो मैं आपको बता दूं, भारत जो है हमारे यहाँ पे है, ये मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, और भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, उसका नाम आप कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, पिछली वीडियो में वैसे मैंने बताया था, अगर आप पिछली वीडियो देख लेंगे तो आपको और अच्छा समझ पे आएगा। क्या होता है, ये है 23.5 डिग्री, कर्क रेखा सुना है आपने या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये वही लाइन 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव से जो गुजरती है वो कर्क रेखा कहलाती है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में रहती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में जो रहती है वो मकर रेखा कहलाती है। तो आप सोच रहे होंगे इसका तूफान से क्या लेना देना है, तो मैं आपको इसका लेना देना है, ऐसे लेना देना है क्योंकि जो हमारा सूरज है, पूरा वीडियो देखना फिर उसके बाद आप बोलो तो बहुत बढ़िया वीडियो है, एकदम क्लियर से समझ पे आया। देखिए जो हमारा सूरज है वो इन्हीं ये 1 2 3 यही तीनों लाइन के बीच में भ्रमण करता रहता है, मतलब यहाँ से यहाँ, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ से लौट जाएगा फिर यहाँ, यहाँ मतलब जो सूरज की जो साइकिल है वो इन्हीं के बीच में चलती रहती है। तो इस सूरज जब यहाँ पे रहता है तो ये वाला इतना पूरा हिस्सा गर्म रहेगा, इसलिए जब सूरज यहाँ पे नहीं रहता है तो ऊपर वाले भाग आपने देखे होंगे जो ठंडे रहते हैं, इसलिए इन्हें पोलर रीजन कहा जाता है, ऊपर और नीचे वाले भाग को। ये जो ये वाला रीजन है इसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, इसमें इसको हिंदी में बोले तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि सूरज का जो है भ्रमण यह इन्हीं दोनों के बीच होता रहता है। तो अब देखते हैं इससे साइक्लोन कैसे आता है। देखिए अभी यह है हमारा भारत, तो क्या हुआ यहाँ ये पूरा क्या है, भारत जो है यहाँ पे समुद्री से घेरा हुआ है, समुद्र सीमा से घेरा हुआ है, मतलब यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, ये पूरा समुद्र पानी है। आपने देखा होगा जब भी हम कोई नदी के किनारे जाते हैं तो हम अपने कपड़े नहाने के लिए गए नदी में, तो हम अपने कपड़े अपड़े थैला वैला चप्पल अप्पल कहाँ उतार देते हैं, नदी के तट पे,
तो नदी के जो किनारे की भूमि है वो क्या कहलाएगी? तट कहलाएगी। वैसे ही समुद्र के किनारे किनारे ये जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य? केरल, कर्नाटक, गोवा। देखिए यही है गोवा, जहाँ पे आपकी बड़ी इच्छा है कि मैं भी एक जिंदगी में एक बार गोवा जाऊँ और वहाँ पे बैठ के बढ़िया बीच में दारू वारू पी। तो गोवा आपका यहाँ पे है। तो यह केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और ये है गुजरात। तो ये जो है पश्चिमी तटवर्ती राज्य है। पश्चिमी क्यों? क्योंकि ये भारत के पश्चिम हिस्से में है। तटवर्ती क्यों? क्योंकि ये समुद्र के तट में बसे हुए हैं, इसलिए इन्हें पश्चिमी तटवर्ती राज्य कहते हैं। और इस तरह के जो राज्य हैं ये पूर्वी तटवर्ती राज्य हैं। तो अब क्या होता है, साइक्लोन आता कैसे है? देखिए साइक्लोन से आप कंफ्यूजन मत होइएगा। जो हमारे भारत के आसपास जो साइक्लोन आता मतलब तूफान आता है उसे इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं, इसलिए मैं इसे साइक्लोन कहकर बताऊंगा। तो और आपको एक बात और, ये जो है ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये क्या है? अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल को हम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। और अरेबियन सी जो है, अरेबियन सी को हम क्या बोलते हैं? अरब की खाड़ी। ये है हमारी बंगाल की खाड़ी और ये है हमारी अरब की खाड़ी। तो आपको पता होना चाहिए, या आपको पता नहीं होगा मैं बताऊंगा, जो बंगाल की खाड़ी में तूफान जो है ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन मतलब अरब की खाड़ी, मतलब इस पानी वाले हिस्से में जो है तूफान ज्यादा आते हैं, ये वाले हिस्से में तूफान कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर 5 तूफान आ रहे हैं तो 4 तूफान यहाँ पे आएंगे और 1 तूफान यहाँ पे आएगा। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा इसलिए होता है, अभी देखिए जो हमारा ताऊते तूफान था वो अरेबियन सी में आया है, लेकिन अभी जो यस नाम का तूफान आ रहा है या आ गया है वो हमारे बे ऑफ बंगाल में आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए सूरज की जो है रोशनी है वो या तो कहाँ पड़ेगी? भूमि के हिस्से में पड़ेगी, मतलब जो लैंड वाला हिस्सा उसमें पड़ेगी, या फिर पानी में पड़ेगी। तो क्या होता है, जब इस सूरज की रोशनी इसमें पड़ी तो ये वाला हिस्सा हो गया गर्म। अब ये गर्म हो गया, बस इतना समझिए कि या तो ये गर्म होगा या ये गर्म होगा। तो तूफान आने के लिए कंडीशन ये होती है कि पानी जब आपका कम से कम 26 से 27 डिग्री या फिर 25 से 26 डिग्री तक अगर ये पानी गर्म हो गया तो ये क्या है, ये कंडीशन चालू होगी, आपका तूफान बनना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे ज्यादा तूफान क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं, अगर आप खारा पानी लें और एक आप ताजा पानी लें, ताजा पानी मतलब सॉफ्ट वाटर जो कि आपके घर में आता है, तो दोनों को अगर धूप में रख देंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका ताजा पानी है वो जल्दी गर्म होगा एज कम्पेयर टू खारा पानी। तो यहाँ पे ये यहाँ ज्यादा तूफान इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और भी जो नदियां हैं वो यहाँ पे आके गिरती हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं, तो इनका जो पानी है वो ताजा है। तो इस क्षेत्र में ताजा ताजा पानी थोड़ा बिखरा हुआ है, इसलिए सूरज की रोशनी से यहाँ का जो क्षेत्र है वो थोड़ा जल्दी गर्म होता है और यहाँ का जो है पूरा खारा पानी है, तो इसलिए यहाँ पे तूफान ज्यादा बनते हैं और यहाँ खारा पानी, इसलिए यहाँ पे तूफान थोड़े कम बनते हैं क्योंकि वो जल्दी गर्म नहीं हो पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि तूफान आने की जो कंडीशन है वो होती क्या है, मतलब कैसे आता है, इसके पीछे की जो साइंस है उसको हम देखते हैं। वो हम देखते हैं आखिर कौन सी साइंस है जो तूफान आने के पीछे काम करती है वो, और क्लॉकवाइज क्यों घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमता है, मतलब घड़ी की दिशा में ऐसे सीधे सीधे क्यों घूमता है, उल्टा उल्टा क्यों घूमता है। और एक चीज और बताइए, आपके मन में ये भी क्वेश्चन है कि ये जो ऊटपटांग नाम जो देते हैं जैसे ताऊते, यास, निसर्ग, मतलब ये ऊटपटांग नाम है, इससे बढ़िया तो अगर साउथ की जो पिक्चर बनाते हैं अगर उनको बोलने के नाम दो तो वो जबरदस्त नाम रखेंगे। किस टाइप के नाम? जैसे तहलका, तूफानी संग्राम, पवंडर एक कथा, मतलब ये वैसे ऐसे नाम रखेंगे एंटी, मतलब अपन को नाम सुन के लगे कि कितना ताकतवर तूफान है। लेकिन चलिए जो सपाट भी आगे चलिए देखते हैं कि साइंटिफिक रीजन क्या है। सबसे पहले हवा डायरेक्शन क्या होती है, हमारी हवा जो है वो बहती कैसी है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की दिशा में बहती, कहाँ बहती है? देखिए मैं बता रहा हूँ, आपकी जो हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की दिशा में बहती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, देखिए ये है आपका क्या है, ये है आपका कूलर। अब कूलर में ये अपन ने जैसे ही बटन है इसको यहाँ पे दबा दिए तो कूलर घर 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 घूमने लगेगा। अब ये घर 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 घूम रहा है तो जो हवा है वो आपको फेंकेगा, ठंडी ठंडी हवा, आप बढ़िया बैठ के हवा लेंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचेंगे ये कूलर के पीछे साइंस क्या है।
चलिए आज समझते हैं कि जो बुलेट घूम रहा है, हवा को दे रहा है अच्छी, तो ये हवा कहाँ से आ रही है। देखिए जैसे चालू करेंगे हवा निकली, यहाँ मतलब जो अंदर जो भी ये हवा है, इस डब्बे के अंदर जो भी हवा है उसने पूरी फेंक दी। अब जैसे ही इसने पूरी हवा फेंक दी तो अंदर क्या हो गया, लो प्रेशर बन गया, मतलब पूरी हवा जो अंदर की है वो पूरी निकल गई, मतलब अंदर हो गया लो प्रेशर। और बाहर अगर देखें जो हवा बाहर जो फैली हुई है सब जगह, वो है हाई प्रेशर। तो क्या होगा, आपकी जो हाई प्रेशर मतलब बाहर की हवा है वो जल्दी जल्दी अंदर जाएगी। अंदर क्यों जाएगी, क्योंकि हवा का ये गुण होता है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो वो यहाँ से जाएगी, पीछे से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, मतलब सब दिशाओं से अंदर जाएगी लो प्रेशर की तरफ। और यही हवा फिर चल रहा है जो कूलर, फिर हवा छोड़ देगा और फिर यहाँ लो प्रेशर जनरेट, मतलब ये साइकिल चलती रहेगी, मतलब हवा अंदर जाती रहेगी, फिर ये निकलेगी, लो प्रेशर जनरेट होगा, फिर हाई प्रेशर, अब ये कहानी चलती रहेगी। अगर इससे भी समझ पे नहीं आया तो आपने वैक्यूम क्लीनर देखा होगा, वैक्यूम क्लीनर भी इसी की जो एप्लीकेशन उस पर काम करता है। कैसे काम करता है कि वैक्यूम क्लीनर में भी पंप लगे रहते हैं, वो हवा क्या करते हैं खींचते हैं और अंदर जनरेट कर देते हैं वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या होता है, कोई भी जगह से आप अगर उसकी पूरी हवा सोख लें, हवा पूरी गायब कर दें, तो उसको उस स्थिति को कहते हैं हम वैक्यूम। तो वैक्यूम जैसे जनरेट होगा तो बाहर की जो हवा है वो अंदर जाएगी, मतलब बाहर की हवा हाई प्रेशर होगी और अंदर की लो प्रेशर, तो वो पूरा कचरे के साथ हवा को खींच लेता है। यह भी नहीं समझ पे आया होगा तो आपने अपनी फटफटिया देखी होगी, फटफटिया मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल देखी होगी, कभी पंचर बनवाने गए होंगे तो जो पंचर वाला है, समझ रहे हैं ना कौन पंचर वाले, तो पंचर वाला आपका पंचर खोलेगा, ट्यूब में हवा भरेगा, अच्छी धांस धांस के उसने हवा भर दी। अब हवा भर गई ट्यूब के अंदर, ट्यूब के अंदर कैसा प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर, और बाहर का जो वातावरण का प्रेशर है वो हो गया आपका लो प्रेशर। तो जैसे ही आप उसकी पिन खोलेंगे तो पूरी हवा करके निकल जाएगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि ट्यूब के अंदर जो है हाई प्रेशर और बाहर के वातावरण में है लो प्रेशर। तो वो जैसे खोलेंगे तो जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर की तरफ भागेगा, क्योंकि हवा का ये गुण होता है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागता है। तो ये चीज तो आई होप कि आपको समझ पे आ गई होगी, हवा जो बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब हमें देखते हैं दूसरा साइंटिफिक कारण क्या है, अभी ये सब मैं पहले बता दे रहा, फिर पूरा मिक्स करके अपन समझेंगे साइक्लोन आता कैसे है। दूसरा कंडीशन आपकी क्या है, कोरियोलिसिस इफेक्ट, कोरियोलिसिस इफेक्ट या फिर फोर्स। देखिए स्पेलिंग अगर गलत है तो इस पर ध्यान मत देना, बस आप समझिए कोरियोलिसिस बोलते हैं, कोरियोलिसिस इफेक्ट और फोर्स क्या होता है वो समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि आप पहले ही तो ये देखिए, अभी मैंने बताया था ऊपर वाला पार्ट क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध है, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो कोरियोलिसिस इफेक्ट क्या होता है कि अगर देखिए सूरज के कारण यहाँ पे जो पानी है, समुद्र मुद्र है अर्थ में, सूरज के कारण यहाँ का पानी गर्म हो गया, और अच्छे से मैं आपको बता दे थोड़ा बड़े में, देखिए ये है ये पृथ्वी है, अब यहाँ पे है जो पानी, यहाँ पे जो ये पानी है, तो सूरज की रोशनी पड़ी पानी पे, तो पानी क्या होगा गर्म होगा धीरे धीरे। जैसे ही इसका टेम्परेचर पानी का 25 से 26 डिग्री हो गया तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी भैया कि तूफान को मिल जाएगी परमिशन, टोकन मिल गया कि भैया 25 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, इससे ज्यादा हो रहा है, अब तुम बनना चालू हो जाओ। तो जैसे ही इसका 25-26 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो यहाँ का पानी ये वाला हिस्सा समझ लो गर्म हो गया। अब ये गर्म हो गया तो यहाँ से ये क्या होगा, भाप बनने लगेगी, यहाँ की जो भाप बनेगी गरम गरम, तो यहाँ का जो हवा है, यहाँ की ऊपर की हवा है वो पूरी होगी गरम। और कोई भी चीज़ अगर हम गरम कर दें, जैसे डंके में अपन चाय बना रहे हैं उसको पानी चढ़ा के अपन गरम करना चालू करेंगे तो क्या होगा, पानी जैसे जैसे गरम होगा उसमें बनेगी भाप। अब भाप कैसी है, गरम गरम। अब कोई भी चीज़ अगर हवा गरम हो जाएगी तो उसका क्या होता है कि वो ऊपर उड़ना चालू कर देती है। वैसे ही यहाँ पे यहाँ का पानी जब गर्म हो गया तो भाप बनी, भाप ऊपर उड़ना चालू करी, तो अगल बगल की जो हवा है वो भी हो गई गर्म, तो यहाँ पे हो गया गरम गरम सब, अब यहाँ पे पूरा उड़ गई पूरी। तो देखिए अब ये पूरे इतने एरिया जो है समझ लो ये पानी भरा था, यहाँ पे सूरज की रोशनी भरी पड़ी और यहाँ का पानी हो गया गर्म और यहाँ पूरा उड़ गया, और यहाँ की जो इतना एरिया की है जो ये हवा ये भी हो गई गर्म, तो यहाँ भी हो गई ये हवा भी हो गई उड़, अभी दोनों हो गए छूमंतर हो गए, और यहाँ पे खाली हो गई जगह, मतलब आपका यहाँ का पानी जो है वो हो गया गर्म और उसने अगल बगल की जो हवा है उसको भी कर दिया गर्म, तो यहाँ पे दोनों चीज उड़ गई ऊपर चली गई, तो यहाँ पे हो गई खाली जगह, खाली जगह हो गई इतने एरिया में खाली जगह हो गई, तो मतलब क्या हो गया लो प्रेशर जनरेट हो गया। अब ये लो प्रेशर को भरने के लिए जो अगल बगल की हवाएं हैं ये
अगल बगल की हवाएं उसको भरने जाएंगी, क्योंकि बाहर तो है हाई प्रेशर, और हमने अभी पढ़े हैं कि जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब ये हवा है यहाँ जाएंगे। अब देखते हैं कोरियोलिसिस इफेक्ट वो क्या काम करता है। यहाँ पे कोरियोलिसिस इफेक्ट वो ये काम करेगा कि अगर ये वाली कंडीशन आपकी उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में बनी है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनी है, तो ये जो हवा आपकी सीधी जा रही है, ये हवा आपकी सीधी ना जाके सीधी हाथ की तरफ मुड़ जाएगी, अपने आप मुड़ जाएगी। पृथ्वी तो इसके पीछे कारण है, वो मैं बाद में आगे कभी वीडियो में बताऊंगा। तो ये अपनी सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएंगे। अगर हम मान लें हवा का ये है मुंह तो, और ये है हाथ, तो इसका ये हो गया लेफ्ट हैंड, ये हो गया राइट हैंड, तो राइट हैंड की तरफ अपने मुड़ जाएगी, मतलब ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, इस डायरेक्शन में मुड़ गई। अब यहाँ पे जो हवा जा रही थी सीधी सीधी अंदर, ये कारण होगी ये भी अपने राइट हैंड में मुड़ जाएगी, मतलब ये ऐसी ना जाके ऐसी चली जाएगी, यानी हवा भी मुड़ जाएगी जो ऊपर से आ रही थी, ये सीधी ना जाके ऐसे मुड़ जाएगी, ये वाली हवा सीधी ना जाके ये भी अपने राइट हैंड में मुड़ जाएगी, और भी जो हवा है वो सब ऐसे मुड़ते जाएंगी, ये ऐसी मुड़ गई, ये ऐसी मुड़ गई, ये ऐसी मुड़ गई। देखिए पूरी हवा मुड़ते 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 स्पीड बढ़ते जाएगी, और ये ऐसे मुड़ते मुड़ते एंटी क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। घड़ी हम देखते हैं, घड़ी जो हमारी टिक 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 सीधी चलती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और घड़ी का हम उल्टी दिशा को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। वैसे ही अगर ये उत्तरी ध्रुव में कोई भी तूफान आ रहा है, तो वो कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण क्या होगा, वो एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा, मतलब उल्टी डायरेक्शन में जो है हवा घूमेगी। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, साउथ डायरेक्शन होता है। साउथ डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन में ये होगा कि जो भी है हवा है वो अपने लेफ्ट में मुड़ जाएगी। तो देखना आप, जो अभी भारत में तूफान आया है ताऊते यास आ रहा है, वो एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि वो हमारा भारत है जो उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिण गोलार्ध में जितने भी तूफान आते हैं आप देखेंगे वो अपनी सीधी डायरेक्शन में घूमते हैं। देखिए जब भी तूफान आता है, नेचुरल डिजास्टर कुछ भी आता है, भूकंप आता, आंधी, तूफान, सुनामी, धरती फट जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, कहीं का पत्थर गिर जाना, कुछ भी हो जाना, लेकिन हमारी जो भारतीय सेना है वो हमें बचाने के लिए सबसे पहले आती है। कि तो मैं सैल्यूट करता हूँ NDRF के जो जवान होते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी कुछ भी स्ट्रेटेजी होती है, ट्रेजेडी हो गई, कहीं भी कुछ डिजास्टर आ गया नेचुरल, वहाँ पे ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के जो NDRF के जवान आते हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। देखिए भारत में वैसे ही कोरोना फैला हुआ है, उसके बावजूद भी वो आपको बचाने आ रहे हैं। जैसे अभी ताऊते तूफान में कितने लोगों को बचाया है, और अगर आप अब तक देखा जाए जितने सारे डिजास्टर हो चुके हैं भारत में, अभी तक लाखों लोगों को बचाया जा चुका है। देखिए चलिए जानते हैं कि अलग अलग जो देश हैं, मतलब अलग अलग जो तूफान के नाम रखे जाते हैं, जैसे अभी ताऊते नाम रखा गया है, और अभी जो आया है यास नाम का, ये मतलब ये नाम रखे कैसे जाते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं। देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट WMD, इन्होंने क्या किया है, अलग अलग देश के लिए अलग अलग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना के रखा है। मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विज्ञानी संबंधित। तो हमारे जो भारत का है IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके 13 मेंबर कंट्री हैंगी। कौन कौन सी, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यमन। देखिए ये जो 13 की 13 कंट्रीज़ हैं, ये अलग अलग अपने अपने नाम दे देती हैं कि हमारी तरफ से ये नाम, हमारी तरफ से ये नाम। अभी जो ये ताऊते तूफान आया था ये म्यांमार की तरफ से दिया गया था, और अभी जो ये यास तूफान आया था ये ओमान की तरफ से दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट जो भी तूफान आएगा तो वो गुलाब नाम का होगा, उसके बाद शाहीन नाम का होगा। ये जो है कंट्रीज़ हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जमा लेते हैंगे, और फिर उसके बाद ये अपना अलग अलग नाम दे देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अभी हमारे यहाँ जो तूफान आते हैं, मतलब इंडियन ओशन में, नदन इंडियन ओशन में, तो इनका नाम इसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग रखा जाता है, और जो भी नाम ये देते हैं ये दोबारा रिपीट कभी नहीं होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो ही आप मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।